नमस्कार बच्चों, हम आधुनिक काव्य में के चार प्रमुख कवियों की चार रचनाएं आपके दी गई है, जिसमें जयशंकर प्रसाद की कामायनी, मैथिली शरण गुप्त जी के साकेत का नवम सर्ग, रामधारी सिंह दिनकर की कुरुक्षेत्र के कुछ सर्ग और चौथी है धर्मवीर भारती की प्रमुख रचना अंधाई। आज हम कुरुक्षेत्र के काव्य स्वोत्सव पर चर्चा करेंगे। काव्य स्वोत्सव पर चर्चा करने से पूर्व संक्षेप में रामधारी सिंह दिनकर जी के साहित्यिक अवदान पर हम चर्चा करेंगे। उनके तेजोदीप्त व्यक्तित्व और कृतियों के कारण वो राष्ट्र कवि के विरुद्ध से विभूषित किए गए थे। 14 वर्ष की अवस्था में सन 1922 ईस्वी में उन्होंने अपना पहला गीत लिखा था और उसके बाद हुंकार, प्रणभंग, रसवंती, द्वंद गीत, रेणुका, सामधेनी, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, बापू, इतिहास के आंसू, सीपी और संघ, इन काव्यों का इन्होंने प्रणयन किया। इन काव्यों में देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए क्रांति एवं विद्रोह के लिए सिंहनाद करते हुए जन जागरण की भावना को ही सर्वाधिक महत्व प्रदान किया गया तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत देश में व्याप्त राजनीतिक समस्याओं पर अपने विचार कवि के द्वारा प्रकट किए गए थे। दिल्ली, नीम के पत्ते, नील कुसुम, चक्रवाल, कवि श्री, नए सुभाषित, परशुराम की प्रतीक्षा, इन सभी संकलनों की कविताओं का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि दिनकर जी ने स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत देश की स्थिति पर भली प्रकार दृष्टिपात करते हुए जनजीवन में व्याप्त आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक विषमताओं का चित्रण किया। वे आज के स्वतंत्र नागरिक की उस परमुखापेक्षी मनोवृत्ति को फटकारते हैं जिसके फलस्वरूप वह सदैव अपने नेताओं की ओर देखता रहता है, स्वयं उत्पादन कार्य में उनकर उन्नति नहीं करता। दिनकर जी कहते हैं, उठ मंदिर के दरवाजे से, जोड़ लगा खेतों में अपने, नेता नहीं भुजा करती है सत्य सदा जीवन के सपने। कुरुक्षेत्र के काव्य सौष्ठव के अंतर्गत उसके दो पक्षों को हम लेंगे। एक पहला पक्ष है अनुभूति पक्ष और दूसरा है अभिव्यक्ति पक्ष। अनुभूति पक्ष के अंतर्गत काव्य की वस्तु योजना, चरित्र चित्रण, प्रकृति चित्रण, युग चित्रण, सौंदर्य निरूपण, रस निरूपण आदि इसके अंतर्गत आते हैं। कुरुक्षेत्र दिनकर जी की वह चर्चित और सुप्रसिद्ध रचना है जिसमें दिनकर जी ने तत्कालीन समस्याओं को विशद रूप में उठाया था। कुरुक्षेत्र 7 सर्गों में विभक्त एक विचार प्रधान काव्य है जिसमें महाभारत कालीन युधिष्ठिर और भीष्म पिता के संवाद को आधार बनाकर युद्ध की समस्या पर अथवा हिंसा अहिंसा की समस्या पर कवि ने अपने युगांतकारी विचार प्रस्तुत किए थे। तो इसी के अंतर्गत अब हम पहला बिंदु लेंगे, वस्तु योजना। कुरुक्षेत्र की कथा का मूलाधार महाभारत ही है। महाभारत के शांति पर्व में जब युधिष्ठिर, भीष्म, भीम, अर्जुन आदि श्री कृष्ण के साथ भीष्म पितामह के समीप जाते हैं, तब श्री कृष्ण महात्मा भीष्म से युधिष्ठिर को धर्मोपदेश देने के लिए अनुरोध करते हैं। कुरुक्षेत्र में महाभारत की कथा का अक्षरक्षर पालन नहीं हुआ है क्योंकि इस काव्य में कवि ने महाभारत के युद्ध की पृष्ठभूमि पर वर्तमान युद्ध संबंधी समस्या को प्रस्तुत करने का प्रयास किया और धर्म, तप, क्षमा, करुणा आदि की व्यर्थता सिद्ध करते हुए कर्मण्यतावाद का पूर्ण समर्थन किया।
इसी कारण कवि का यह कथन पूर्णतया सत्य है कि कुरुक्षेत्र की रचना भगवान व्यास के अनुकरण पर नहीं हुई और न महाभारत को दोहराना मेरा उद्देश्य था। इस कथा में सात सर्ग है। इस काव्य में जिस प्रथम सर्ग में कवि पर श्रीमद् भागवत गीता का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है, क्योंकि यहाँ पर युधिष्ठिर उसी तरह ग्लानि एवं निर्वेश से परिपूर्ण दिखाई देता है जिस तरह गीता में युद्ध से पूर्व अर्जुन दिखाई देता है। साथ ही भीष्म पितामह गीता के श्री कृष्ण बनकर ही निष्काम कर्म योग को अपनाने का उपदेश देते हुए दिखाई देते हैं। भीष्म का उपदेश द्वितीय सर्ग से लेकर पंचम सर्ग तक चलता है। षष्ठ सर्ग में कवि ने अपने स्वतंत्र विचार व्यक्त किए हैं जिनका संबंध द्वापर युग से न होकर वर्तमान युग से है। इस सर्ग में कवि ने विज्ञान के विकास की चर्चा करते हुए व्यक्त किया है कि विज्ञान ने आज मानव को कैसा दुर्दांत बना दिया है। और सप्तम सर्ग में कवि ने एक ऐसे नूतन राष्ट्र की कल्पना की है जिसमें सभी मनुष्य प्रेम से रहते हों और स्नेहपूर्ण बलिदान करते हों, और स्नेहपूर्ण बलिदान ही जहां मानवता का मापदंड हो। इस तरह कवि ने कुरुक्षेत्र की कथावस्तु में राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा आध्यात्मिक विचार प्रकट करते हुए युद्ध और शांति, मानवतावाद, साम्यवाद, निष्काम कर्म, भौतिकतावाद, अध्यात्मवाद जैसी आधुनिक सभी समस्याओं पर अपनी लेखनी चलाई है। उन समस्याओं का उचित समाधान करते हुए मानव को कर्म योग की ओर प्रेरित किया है तथा स्नेह और बलिदान को आधार बनाकर इसी भूमि को स्वर्ग बनाने की कामना व्यक्त की है। दूसरा बिंदु है काव्यशोष्ठव के अंतर्गत अनुभूति पक्ष का चरित्र चित्रण। कुरुक्षेत्र में दो प्रमुख पात्र आते हैं, युधिष्ठिर और भीष्म पितामह। युधिष्ठिर इस काव्य के नायक है क्योंकि उनके ही शंकालु हृदय में युद्ध की विभीषिका हलचल उत्पन्न करती है और उनकी ही समस्या का अंत में समाधान होता है। इस तरह फल प्राप्ति का अधिकार युधिष्ठिर को ही है। युधिष्ठिर अत्यंत कोमल, सहृदय, सुशील, धार्मिक एवं अहिंसावादी मानव है। उसके हृदय में युद्ध से उत्पन्न भीषण हाहाकार ने अत्यंत हलचल उत्पन्न कर दी थी। यद्यपि अन्य सभी पांडव अपनी विजय पर हर्ष प्रकट करते हुए उल्लसित हो रहे थे, लेकिन युधिष्ठिर का हृदय शोकाकुल होकर चिंतालीन हो रहा है और महाभारत के व्यापक विनाश पर शतता होकर फूट फूट कर रो रहा है। उसके अंतःकरण में विधवाओं का आर्तनाद, अनाथ बालकों का चित्कार एवं असहाय और असमर्थ घायलों की पुकार बाण की तरह चुपकर भय, तीस, वेदना, व्यथा एवं कसक उत्पन्न कर रही है। युधिष्ठिर एक सच्चे मानव है। उनके हृदय में मानवता के प्रति अटूट श्रद्धा है और वे युद्ध को मानवता का शत्रु मानते हैं। इसीलिए उनका मन ये सोचकर अत्यंत व्यग्र और व्यथित हो जाता है, उन्होंने ही सारा विनाश कराया है। आज वे स्वयं को किसी को मुंह दिखलाने योग्य नहीं समझते। युधिष्ठिर अहिंसा के प्रतीक हैं। उनका रोम रोम हिंसा एवं युद्ध से पीड़ित है। वे नहीं चाहते कि कहीं भी भयंकर युद्ध हो जिसे उन्हें कहीं बालहीन माता की पुकार सुननी पड़े, पितृहीन बालक का आर्तनाद सुनाई दे और किसी सुहागिन का मांग का पूछा हुआ सिंदूर दिखाई दे और युद्ध की विभीषिका का शिकार होकर जीवन भर पंगु और असमर्थ बना हुआ कोई दिखाई दे। इसीलिए वे युद्ध को भयंकर अभिशाप मानते हैं। इस पश्चाताप की आग में जलते हुए युधिष्ठिर भीष्म पितामह के पास जाते हैं। युधिष्ठिर के हृदय में विश्व बंधुत्व की भावना हिलोरे ले रही है। वे द्वेष एवं वैमनस्य से दूर मानवता के अनन्य पुजारी के रूप में दिखाई देते हैं। युधिष्ठिर का करुणा से समन्वित मन, उस पर करुणा का ही शासन है, स्नेह का अंकुश है और नीति का अनुशासन है। वे साम्राज्य छोड़कर
भीख मांग कर अपना जीवन व्यतीत करने की बात करते हैं और अंत में युधिष्ठिर आशा एवं विश्वास की साकार मूर्ति जान पड़ते हैं, जिनके हृदय में इस बात का पूर्ण विश्वास है कि जब मानव मानव पर बलपूर्वक अत्याचार नहीं करेगा, सर्वथा शांति जागृत होगी, विश्व के विजयी के मन में गर्व और उल्लास न होकर करुणा का भाव उत्पन्न होगा, मानवों का वध करके अब विजयी दुखी होगा, लोक साम्राज्य की प्राप्ति के लिए तलवार नहीं उठाएंगे, रणभूमि अब तपोभूमि में बदल जाएगी। आकाश में विचरण करने वाले सन्यासी निर्वेद की भूमि को छोड़कर मानवता की भूमि पर उतरेंगे और पारस्परिक मनोमालिन्य समाप्त हो जाएगा। इस तरह युधिष्ठिर मानवता के अनन्य पुजारी हैं, मानवों की वेदना और पीड़ा को समझने वाले करुणा से परिपूर्ण मानव हैं, युद्ध की विभीषिका से व्यथित हैं, हिंसा के विरोधी हैं, परस्पर इसने सौहार्द एवं सहानुभूति को जागृत करने वाले हैं और मानवता के विकास के लिए विश्व बंधुत्व एवं आत्मवत सर्वभूतेशु की भावना को महत्व प्रदान करने वाले धीर पुरुष हैं युधिष्ठिर। कुरुक्षेत्र के दूसरे मुख्य पात्र हैं भीष्म पितामह, जो नीति ज्ञान पराक्रम त्याग एवं शौर्य की साकार मूर्ति हैं। वे यहाँ पर नीति निपुण श्री कृष्ण की भांति युधिष्ठिर के हृदय में उठने वाले युद्ध संबंधी तूफान को दूर करने के लिए नीति एवं युक्ति का सहारा लेते हैं और युद्ध की तुलना तूफान से करके बड़ी सरलता एवं सुबोधता के साथ युधिष्ठिर को युद्ध की अनिवार्यता समझाते हैं। वे तार्किक एवं कुशल नीतिज्ञ हैं। वे जानते हैं कि युद्ध की भीषण विभीषिका बड़े बड़े साहसी एवं दृढ़ पुरुषों को भी विचलित करके इस तरह हिला देती है जिस तरह भयंकर तूफान में बड़े बड़े वृक्ष हिल जाते हैं। भीष्म पितामह का समझाने का ढंग बड़ा ही हृदयग्राही है। वे व्यग्र एवं व्यथित युधिष्ठिर को स्पष्ट रूप से समझाते हैं कि महाभारत का यह कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल 5 पांडवों के कारण नहीं हुआ था। इस युद्ध को पाप कहना भी न्याय नहीं, क्योंकि वह युद्ध कभी पाप नहीं हो सकता जो प्रतिशोध के कारण होता है अथवा जो अनाचार अन्याय एवं अत्याचार को मिटाने के लिए लड़ा जाता है। पाप तो तब है जबकि कोई किसी का अधिकार छीनता है और तुम जैसा साहसी वीर त्याग और तपस्या से काम लेता है। भीष्म धर्म के पूर्ण ज्ञाता हैं। वे मानते हैं कि व्यक्ति और समाज का धर्म क्या है। युधिष्ठिर के हृदय में धर्म के प्रति आशंका उठती है, तब भीष्म पितामह स्पष्ट रूप से धर्म के रहस्य को समझाते हुए कहते हैं कि तप करुणा और क्षमा को व्यक्ति का धर्म माना गया है। यह सत्य है, एक व्यक्ति की शोभा विनय और त्याग से ही होती है, परंतु जब समुदाय का प्रश्न उठता है, व्यष्टि का नहीं समष्टि का प्रश्न सामने आकर उपस्थित हो जाता है, तब तप और त्याग को भूलकर बलिदान को वीरता को शूरवीरता को अपनाना ही हमारा धर्म बन जाता है। भीष्म पितामह स्पष्ट रूप से युद्ध का समर्थन करते हुए कहते हैं, जो अन्यायी अविचारी और अनीति पद्धति को अपनाने वाले सत्ताधारी के विरुद्ध लड़ा जाता है, वे समाज में शांति के लिए समता को महत्व देते हैं और उनका मत है कि जब तक मनुष्य को समान रूप से सुख सुविधाएं नहीं मिलेगी तब तक प्राय अशांति ही रहेगी। वीर पुरुष अपने न्यायोचित अधिकारों को सदैव लड़कर प्राप्त करते हैं। भीष्म पितामह ब्रह्मचर्य के व्रती हैं, धर्म के महास्तंभ हैं, बल के अक्षय आगार हैं, परम वियोगी पुरुष हैं, धर्म के मर्मज्ञ हैं, त्यागी और तपस्वी हैं, क्योंकि धर्म और स्नेह के कारण ही उन्होंने राज सिंहासन छोड़ दिया था। वे पराक्रमी पुरुष है तथा इच्छा मृत्यु को प्राप्त होने के कारण काल पर विजयी महावीर हैं। भीष्म कर्म और स्नेह के द्वंद में लीन रहने के कारण संकट में भी पड़ते हैं। वे इस बात को स्वीकारते भी हैं। इसके साथ ही वे मानवता के अनन्य पुजारी भी हैं। विकिरीट राज्य धन तप त्याग और योग से भी अधिक मानवता की महत्ता को घोषित करते हैं।
और युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं कि सबको समान रूप से सुख सुविधाएं देने का प्रयत्न करो और राजा प्रजा के भेद को मिटाकर मानव मात्र की उन्नति को अपना लक्ष्य बनाओ। भीष्म कहते हैं था कुटुंब सा जन समाज तथा निज को ही देखो ना युधिष्ठिर, देखो निखिल भुवन को, कि स्वयं की ओर मत देखो, इस सारे संसार की ओर देखो। ये कह करके वो वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर बल देते हैं और पलायन की प्रवृत्ति का विरोध करते हुए कर्मण्यता का संदेश देते हुए। इस प्रकार भीष्म के रूप में कवि दिनकर ने उस पराक्रमी वीर का चरित्र चित्रण किया है जो अन्याय एवं अत्याचार को मिटाने के लिए हिंसा का समर्थन अवश्य करता है, परंतु विश्व शांति के लिए त्याग, बलिदान, समता एवं अहिंसा को भी समान महत्व देता है। जिसके हृदय में विश्व बंधुत्व की भावना कूट कूट कर भरी हुई है, जो मानवता का अनन्य पुजारी होने के कारण समाज में व्याप्त ऊंच नीच, विषमता, सुख सुविधाओं के असमान वितरण को समाप्त करके इनके स्थान पर एकता, समता तथा समान विभाजन को महत्व प्रदान करता है। जो संन्यास का विरोध करके निष्काम कर्म करने की प्रेरणा प्रदान करता है। तीसरा बिंदु है इसका प्रकृति चित्रण। कवि दिनकर ने कुरुक्षेत्र में प्रकृति सुंदरी की विविध सौंदर्यपूर्ण झांकियां अंकित की है। यहाँ कवि ने ओ युधिष्ठिर ने कहा तूफान देखा है कभी से लेकर छिन्न फूलों के दलों से पक्षियों की देह से तक प्रकृति के आलंबन रूप की संश्लिष्ट झांकी प्रस्तुत की है। इसके साथ ही भू से ले अंबर तक यहाँ जल कभी न घटने वाला से लेकर ये समुद्र जिनमें मुक्ता विद्रुम प्रवाल बिखरे हैं तक नाम परिगणन प्रणाली के आधार पर प्रकृति के आलंबन रूप का चित्रण किया है। कवि ने वायस, गृध्र, श्रृगाल, स्वान, दल के दल मार्जार से लेकर किसी सुकवि का स्यात हृदय था स्नेह सिक्त गंभीर तक प्रकृति के उद्दीपन रूप की मार्मिक छवियां प्रस्तुत की है। पर हाय, यहाँ भी धधक रहा अंबर है से लेकर जल रहा कौन किसका यह विकट धुआं है तक वातावरण निर्माण के लिए प्रकृति का सदुपयोग करते हुए उसकी हृदय द्रावक छवियां झांकी अंकित की है। इसके साथ ही कवि ने अलंकारों के रूप में भी प्रकृति का पर्याप्त मात्रा में प्रयोग किया, जैसे विरह कराल नागिनी सी डसती है मुझे, या शरों की नोक पर लेटे हुए गजराज जैसे, थके टूटे गरुड़ से, त्रस्त पन्नगराज से, अथवा युद्ध के ज्वालामुखी धर्म का दीपक, स्वार्थ शेल आदि आलंकारिक रूप में प्रकृति चित्रण के सुंदर उदाहरण देखने को मिलते हैं। इस प्रकार कुरुक्षेत्र में प्रकृति के अत्यंत मनोरम चित्र मिलते हैं जिनमें सजीवता है, स्वाभाविकता है और भारत की सांस्कृतिक परंपरा के द्योतक है। युग चित्रण सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। कवि दिनकर ने कुरुक्षेत्र में अपने युद्ध युग की जो अधिकांश समस्याएं थी उनको वाणी प्रदान करने का प्रयास किया है। आज तब विज्ञान पर्याप्त विकास कर चुका, नित्य प्रति नए नए शस्त्रास्त्र बन रहे हैं, एक राष्ट्र दूसरे पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए नए नए आविष्कारों में लगा है। ऐसी दशा में यदि कहीं युद्ध प्रारंभ हो जाता है अब विनाश के अतिरिक्त कुछ भी शेष नहीं रहता। इस युद्ध की समस्या को कवि ने द्वितीय सर्ग में अत्यंत व्यापक रूप में प्रस्तुत किया है और बताया है कि जब तक भिन्न स्वार्थों का संघर्ष चल रहा है तब तक राष्ट्रों का युद्ध होना अनिवार्य है। आज दूसरी समस्या अहिंसा को अपनाने की है। महात्मा गांधी ने अहिंसा का एक ऐसा अमोघ अस्त्र विश्व को प्रदान किया जिससे बड़ी से बड़ी शक्तिशाली सत्ता को उखाड़ कर फेंका जा सकता है, परंतु कवि ने बताया कि अहिंसा को अपनाना श्रेयस्कर है, किंतु जब कोई क्रूर शासक समाज का शोषण कर रहा हो, समझाने से भी, मांगने पर भी किसी का अधिकार नहीं दे रहा हो, तो ऐसे दुराचारी के विरुद्ध अहिंसा की अपेक्षा हिंसा का मार्ग अपनाना ही अभीष्ट है। तीसरी प्रमुख समस्या वैज्ञानिक आविष्कारों की है, जिसके फलस्वरूप मानव नए नए रहस्यों का उद्घाटन करता हुआ आज प्रकृति पर भी विजय प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। वन, जल, विद्युत आदि सभी पर वह अपना शासन कर रहा है और प्रकृति के जो भारतीय परंपरा रही है प्रकृति के संरक्षण की, उसके संरक्षण के बजाय उसके पाश्चात्य प्रभाव से
प्रभावित होकर के संपूर्ण विश्व में प्रकृति के दोहन का कार्य चल रहा है और नदी, समुद्र, पहाड़ सब पर वह अपना अधिकार चाहता है। संपूर्ण ब्रह्मांड को वह अपनी मुट्ठी में कैद करना चाहता है। आज मानव के मस्तिष्क का तो विकास अत्यधिक हो गया, परंतु उसका हृदय संकुचित होता चला जा रहा है। साथ ही कवि की दृष्टि में विज्ञान मानवता का शत्रु है। चौथी और प्रमुख समस्या जो कुरुक्षेत्र में रामधारी सिंह दिनकर जी ने उठाई है, वो मानवता के विकास और समृद्धि की है। कवि की दृष्टि में मानवता के विकास एवं समृद्धि के लिए वैराग्य एवं निर्वेद भाव उचित नहीं है। वह संन्यास लेकर जंगल में पलायन करना मानव के लिए उचित नहीं मानता, अपितु वह चाहता है कि मानव ज्ञान का दीप जलाकर औरों के हृदय से अज्ञान का अंधकार दूर करे और उन्हें त्याग और बलिदान का मार्ग दिखाए, दलित एवं पतित मानवों को ऊपर उठाए और सभी मानवों को समान रूप से विकास करने का अवसर प्रदान करे। अतः उसे पलायनवादी न बनकर युग निर्माण में लगना चाहिए और मानवता की समृद्धि के लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। पांचवा बिंदु है सौंदर्य निरूपण। दिनकर ने कुरुक्षेत्र में कर्म सौंदर्य, रूप सौंदर्य एवं भाव सौंदर्य के अत्यंत आकर्षक एवं मनमोहक चित्र अंकित किए हैं। जैसे कर्म सौंदर्य का चित्रण करते हुए कवि ने आधुनिक मानव की वैज्ञानिक प्रगति का एक कौतूहलवर्धक विवरण प्रस्तुत किया है। कवि ने रूप सौंदर्य में भी रमणीय चित्र प्रस्तुत किए, जैसे शरों की नोक पर लेटे हुए ब्रह्मचर्य चर्यव्रती महाबलशाली परम वैरागी परम त्यागी तपस्वी भीष्म पितामह की झांकी अनुपम एवं अद्वितीय है। ऐसे ही शोक एवं विषाद से परिपूर्ण युधिष्ठिर के सामने विजयश्री तो जयमाला लेकर खड़ी हुई है और वो संसार से विरक्त होकर इस रक्त रंजित जयश्री का उपभोग करने से हिचकिचा रहे हैं तथा मानवता प्रेम एवं विश्व बंधुत्व के भावों से भरे हुए हैं। यह रूप चित्र भी अनुपम एवं चित्ताकर्षक है। ऐसे ही भाव सौंदर्य के चित्र कुरुक्षेत्र के अत्यंत अनुपम एवं अद्वितीय हैं। यहाँ बालहीन माता की पुकार कभी आती है और से लेकर शोणित पुकारता हो अर्जुन के लाल का तक विषाद नामक मनोभावों का अत्यंत सजीव चित्र अंकित हुआ है। छठा बिंदु है रस निरूपण। कुरुक्षेत्र में विविध रसों का पूर्ण परिपाक हुआ है। वैसे इसका प्रमुख रस वीर रस है। वीर रस के कई भेदों का चित्रण अत्यंत सजीवता के साथ हुआ है। जैसे शूर धर्म है अभय दैत्य अंगारों पर चलना से लेकर शूर धर्म है जग को अनुपम बलि का पाठ पढ़ाना तक युद्ध वीर की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। घमासान जो बढ़ा चमकने धुंधली लगी कहानी से लेकर अब विरह असह्य मुझे तुम स्नेह धाम पहुंचाओ तथा दयावीर की मार्मिक व्यंजना मिलती है। ये होगा महारण राग से साथ से लेकर नव धर्म प्रदीप अवश्य जलेगा तक धर्मवीर का सजीव निरूपण हुआ है। दूसरे कुरुक्षेत्र में श्रृंगार रस की भी छटा मिल जाती है। जैसे बही न कोमल वायु कुंज मन का था कभी न डोला से लेकर एक बार भी अपने को था दान न में कर पाया तक श्रृंगार की व्यंजना हुई है। तीसरे शोक भाव से परिपुष्ट करुण रस भी यहाँ मिलता है। सच ही तो पितामह वीरवधु से लेकर समीप चिता के संजो रही है तक करुण रस की अभिव्यंजना हुई है। चौथे सुधीर रुधिर सिक्त अंचल में नर के खंडित लिए शरीर से लेकर किसी सुकवि का स्यात हृदय था स्नेह सिक्त गंभीर तक जुगुप्सा स्थायी भाव से युक्त विभत्स रस के झांके मिलती है। पांचवे बालहीन माता की पुकार कभी आती और से लेकर शोणित पुकारता हो अर्जुन के लाल का तक भयभीत भाव के साथ भयानक रस का परिपाक हुआ है। छठे संहार सुते मदमत्त जयश्री वाले से लेकर तब तक माला के फूल सूख जाएंगे तक शम स्थायी भाव के साथ शांत रस अपनी पूर्ण व्यंजना के साथ विद्यमान है। सातवें क्षत विशत है भारत भूमि का अंग भंग बाणों से हो वो खड़े असंख्य नरों की आशा बन जीवन में तक देश प्रेम संबंधी स्थायी भाव सहित देशभक्ति रस की मधुर व्यंजना हुई है। इस प्रकार कुरुक्षेत्र में